क्या आपको थायराइड की परेशानी है? जिनको थायराइड की परेशानी होती है उनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, एक्सेस गिरते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बाल को कोई रूट से ऐसे निकाल करके और जमीन पे फेंक दिया है। यानी कि आप लगेगा ना कि वैसे ही आपके बाल अगर इतने लंबे हैं तो इतने लंबे बाल जमीन पे गिरे हुए हैं, पूरे घर में बाल बाल बाल। जिनको थायराइड की परेशानी होती है उनके हेयर फॉल एक्सेस होते हैं, बहुत 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 ज्यादा उनको हेयर फॉल की परेशानी होती है। दूसरी उनकी परेशानी क्या होती है, उनके स्कैल्प जो होते हैं ना बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, डैंड्रफ की उनको शिकायत हो जाती है। रिसर्च जो है वो हो सकता है गलत हो, अगर गलत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा जानने में कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। ऐसा लगता है ना कि जिनको थायराइड की परेशानी है, हेयर फॉल की परेशानी तो होती है, साथ ही साथ उनके ना डैंड्रफ की परेशानी होती है। यानी डैंड्रफ अलग टाइप के, व्हाइट 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 डैंड्रफ टाइप के होते हैं और उनकी स्किन भी हद से ज्यादा रफ, रूखी और बेजान लगती है और बाल में वॉल्यूम ही नहीं रहता, बाल अजीब से रूखे से बेजान से झाड़ू से लगते हैं। तो अगर आपको थायराइड की परेशानी है, या फिर अगर आपको थायराइड की परेशानी नहीं है तो भी अगर आपके हेयर फॉल हद से ज्यादा होते हैं, अगर आपके बाल में डैंड्रफ की परेशानी, आपको वॉल्यूम नहीं है आपके बालों में, तो फिर भैया आज का वीडियो देखना तो 100% मस्त है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल छवि अश्विनी कुमार में, और मैं हूं छवि। अगर फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी बात ये है, मेरे चैनल के ऊपर चल रहा है गिव अवे, तो अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बस आपको सिंपल कुछ करना नहीं है ज्यादा। जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करती हूँ उस वीडियो को आपको देखना है, फुल वॉच करना है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, जितना हो सके मेरे पुराने वीडियोस को देखना है। वीडियो को जब देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको स्क्रीन के ऊपर जो लिखा है उसको आपको कमेंट करना है, ओके। और नए पुराने वीडियो को देखें, कोशिश करें 1 आवर के अंदर में देख ले, बस हो गया। क्या करना है, बहुत इजी रूल और रेगुलेशन है। मुझे नींद आ रही है, लेट नाइट वीडियो बना रही हूँ दोस्तों आप लोगों को, ताकि वीडियो मिल सके। आज आप लोगों को वीडियो नहीं मिला जबकि आज वीडियो देना था मुझे, तो सॉरी। आज फुल डे बिजी हूँ, कल भी बिजी हूँ, हर रोज बिजी ही रहने वाली हूँ अभी तत्काल। तो चलिए, आज जो मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ दोस्तों, DIY हेयर मास्क। ये हेयर मास्क मैं स्पेशली अपनी बेटी गोल्डी के लिए बनाई हूँ। ये गोल्डी, जैसे आप सबको पता है कि गोल्डी अपना हायर स्टडी के लिए जो है घर से बाहर गई हुई है। जब वो आई थी तो उसके सब हेल्थ इश्यूज हैं जिसके कारण वो अभी यहाँ पर ही है, अभी जाने वाली है वो, ठीक है। अभी जब वो आई है तो मैं देखी हूँ उसके इतने ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, उसके बाल इतने ज्यादा पतले से, दुबले से, अजीब टाइप्स के बाल हो गए हैं, थोड़े से भी वॉल्यूम बालों में नहीं है, बालों में चमक नहीं है, शाइन नहीं है। तो मैं सोची कि उसके लिए अभी जब तक मेरे पास है, चाहे वो 15 दिन हो, 20 दिन हो, 1 महीने हो, चाहे 1.5 महीने हो, जब तक वो मेरे पास है मैं उसके बाल को थोड़ा तो एटलीस्ट ठीक कर दूं, है ना। तो उसी चाह में आज मैं ये हेयर मास्क उसके लिए बनाई थी और लगा रही थी, तो मैं सोची कि रिकॉर्ड कर लूं और आप लोगों को भी ये हेयर मास्क जरूर लेकर के आऊं, ताकि आप लोग भी देखें। और गोल्डी को उसके हेयर इतने पसंद आए हैं मुझे, पूरे रास्ते, क्योंकि अभी मैं बाहर गई थी, अभी जस्ट बाहर से आई हूँ 1 आवर पहले, तो बार बार मुझे कह रही थी, मामा मेरे बाल में ना मुझे बहुत ज्यादा वॉल्यूम दिख रहे हैं और मेरे बाल मुझे बहुत सिल्की और सॉफ्ट लग रहे हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते, इस DIY को बनाते हैं। दोस्तों, इस DIY को बनाने के लिए जो आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है एलोवेरा। एलोवेरा में इतने बेहतरीन बेहतरीन गुण होते हैं कि वो आपके बालों के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। मतलब एलोवेरा की क्या बात की जाए, गजब का इंग्रेडिएंट भगवान ने ना धरती पे उतारा है, जिसको खुद ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, है ना। एलोवेरा में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतने गुण है कि आपके स्किन से लेकर के आपके हेयर तक को हाइड्रेट कर देता है, नरिश कर देता है, और गजब का ग्लो और आपके बालों में आप या फिर आपके चेहरे में गजब का निखार ला देता है। तो आपको क्या करना है, एलोवेरा लेना है। मैं तकरीबन 5 या 6 पता नहीं कितना मैं लीफ जो है एलोवेरा के कट की हूँ,
क्योंकि कुछ ऐसे थे जो थोड़े बहुत सूख भी रहे थे, तो मैं उन सबको भी थोड़ा सा कट की हूँ। एक बात का ध्यान रखें, बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि एलोवेरा मैं जब लगाती हूँ तो खुजली होता है, क्या आप कभी सोचो कि क्या आपको एलोवेरा लगाने का तरीका सही है? जब भी आप एलोवेरा को कट करते हैं तो रेड कलर का आप देखोगे कि कुछ निकलता है, वो पॉइजन होता है। अगर आप कट करते हो एलोवेरा को और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे करके कम से कम 30 मिनट्स के लिए जिधर से कट लगा है उधर से ही उसको नीचे करके छोड़ना है। इससे ये होगा कि जो भी उसमें अंदर जो पॉइजन है ना वो सब निकल जाएगा और वो आपके स्किन को, आपके हेयर को हार्म नहीं करेगा। हाफ एन आवर के बाद क्या करना है, अच्छे से नल के नीचे रख के उसको धोना है, एकदम अच्छे से धोना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड से कॉर्नर जो उसका कांटा वगैरह रहता है ना, साइड में देखोगे आप उसके पॉइंटेड निकले रहते हैं कांटे, उसको साइड से हटाना है आपको, बीच से कट करना है। इससे भी आपको उसका एलोवेरा का जूस निकालना है, आपको निकाले या तो फोक से या फिर स्पून से या फिर मेरे जैसे ग्लास से, तो मुझे ग्लास से निकालना इजी लगता है तो मैं ग्लास से अच्छे से निकाल ली हूँ। जितना एलोवेरा था मैं सबको निकाल दी हूँ और अब क्या की हूँ, मैं एक ग्राइंडर में उसे डालती हूँ। देखिए ग्राइंडर में अगर आप ये पैक को अच्छे से बनाते हो ना तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। वैसे आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर से या फिर स्पून और फोक की हेल्प से भी कर सकते हो, बट वो उतना अच्छे से नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप ग्राइंडर में एक बार घुमा देते हो तो बहुत अच्छे से ही मिक्स होता है। तो मैं क्या की हूँ, ग्राइंडर में डाल दी हूँ। अब जिसके अंदर मैं दोस्तों सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड की हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि आपका आपका जो स्कैल्प है हद से ज्यादा ड्राई है, हद से ज्यादा मीन्स आपके बालों में हमेशा जलन होता है, आपके स्कैल्प में हमेशा जलन होता है, तो आप नींबू नहीं ऐड करोगे। बट अगर आपको नींबू सूट करता है तब आप लेमन जरूर ऐड करोगे। इससे ये होगा कि आपके बालों में जो डैंड्रफ की परेशानी है ना, सफेद सफेद ऐसे अलग से रहते हैं, उसकी परेशानी आपकी दूर हो जाने वाली, यानी कि रूसी की परेशानी दूर होने वाली है। तो मैं क्या की हूँ, एक लेमन ली हूँ और एक पूरा लेमन को इसके अंदर निचोड़ दी हूँ, ठीक है। अब जो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ दोस्तों, वो मैं ऐड कर रही हूँ कॉफी। अब मेरा कॉफी खत्म हो गया था तो मेरे पास सिर्फ 1 स्पून के करीब में था, तो मैं 1 स्पून कॉफी ऐड की हूँ। बट मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में बहुत अच्छा कलर आए और आपके बाल और भी ज्यादा शाइनी और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे, तो आप कम से कम 3 स्पून के करीब में कॉफी ऐड करोगे। मेरा तो कॉफी ही खत्म हो गई तो क्या करती मैं। अब आपको क्या करना है, इन सबको अच्छे से ग्राइंड करना है, बहुत अच्छे से ग्राइंड कर देना है ताकि आपस में एक दूसरे में एकदम अच्छे से मिल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये ग्राइंड हो जाए तो कोई भी कांच के बाउल में या फिर प्लास्टिक के बाउल में निकाल लेना है, स्टील में नहीं निकाले, एक्शन में रिएक्शन हो जाता है, स्टील में नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके बाल में आपके हेयर में ऑयल हो या फिर नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेयर में ऑयल लगे हो तो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं क्या की हूँ, गोल्डी के हेयर में थोड़े से ऑयल लगे हुए थे, एकदम रूखे भेजा, मैंने अजीब से इसके बाल दिख रहे थे मुझे, जब से आई थी तब से मैं सोच रही थी है ना, बट पकड़ में अब भी पकड़ के बाबा करो, नहीं तो ये तो अपना सब चेहरे पे कुछ नहीं लगाती है, बालों में भी कुछ नहीं करती, क्या कहते हैं आप। घर में अगर आपको कुछ भी आता हो, चाहे आप कुछ भी, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है, मीन्स आप बच्चों को पकड़ना चाहते हो, बच्चे पकड़ में नहीं आते, ये वाली परेशानी हो जाती है। बहुत पकड़ना चाह रही थी बट फाइनली पकड़ में आए, तो मैं क्या की हूँ, गोल्डी को अच्छे से, कैसे शैम्पू लगाते हैं ना बच्चों को, वैसे मैं क्या की हूँ, एक एक यूं यूं करके गोल्डी के पूरे बाल में रूट से लेकर के टिप तक मैं जो हूँ गोल्डी के ये जो मास्क है ना इसको अच्छे से लगा दी हूँ, ताकि गोल्डी को एकदम जड़ तक जो है ये जो एलोवेरा है और जो भी ये मिक्सचर मैं बनाई हूँ पैक का, वो अच्छे से गोल्डी के बाल में चला जाए एकदम अच्छे से। और जब पूरे बाल में लग गया ना तो पूरा मैं यूं 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 करके मिलाई हूँ, कैसे आप तेल का मालिश करते हो ना बाल में, यूं 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 करके, तो यूं यूं करके मैं पूरा अच्छे से मिला दी हूँ ताकि उसके पूरा अच्छे से मिल जाए। अब क्या की हूँ, उसके बाद दोस्तों छोड़ दी हूँ, कितने देर के लिए, 1 आवर के लिए। गोल्डी को मैं बोली कि पूरे 1 आवर तक अपने हेयर में रखना है तुम्हें, उसके पहले हेयर को वॉश नहीं करना है। अब समझने वाली बात है, अगर आपका हेयर कल ही आपने हेयर को वॉश किया है, ठीक है, और आज ये आपने हेयर मास्क लगाया,
तो आप चाहें तो बिना शैम्पू किए हुए भी रह सकते हो, यानी कि सिर्फ बालों को अच्छे से आप धो लें और ये क्या शैम्पू करेगा, शैम्पू का पप्पा वाला काम करता है ये हेयर मास्क। गोल्डी के हेयर गंदे थे इसलिए गोल्डी 1 आवर के बाद शैम्पू की, बट आप चाहें तो शैम्पू कर सकते हैं, आप चाहें तो शैम्पू नहीं कर सकते, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, अच्छे से बाल को धो लेते हैं तो भी चलता है। तो 1 घंटे के बाद अच्छे से आप शैम्पू कर ले, जो भी आपको शैम्पू पसंद है उससे आप शैम्पू कर ले। और इसको अगर आप उससे पूछते हो कि आपको हफ्ते में कितने बार लगाना है, तो अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं, हद से ज्यादा होते हैं, तो हफ्ते में अगर 2 बार लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1 बार बना ले, रख ले यार, 1 दिन आज लगाए कल नहीं लगाए फिर परसों 1 दिन लगा लिए, तो 1 बार बनाएंगे 2 बार आराम से चल जाएगा। तो हफ्ते में 2 बार लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो अभी बहुत कुछ गोल्डी के सर के ऊपर लगाने वाली हूँ, वो सब कुछ आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब आपके मन में जरूर होगा कि छवि इसको कौन से इससे लगा सकती है, इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके बच्चे के बच्चों को खराबी करे। तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आपके बच्चे की उम्र हो गई है 10 साल की तो आराम से लगा सकते हो। मैं तो गोल्डी के फेस के ऊपर भी लगा दी थी, है ना, बट क्योंकि गोल्डी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, हद से ज्यादा ड्राई हो गई है, तो मैं इसके अंदर जो लेमन ऐड की थी उसके कारण गोल्डी को थोड़ा सा जलन होने लगा था फेस में, तो वो तुरंत जाकर के मैं बोली कि फेस को वॉश करके आओ, उसके बाद अपने फेस को वो कवर कर ली थी ताकि उसके फेस के ऊपर ये ना आए, ताकि उसको जलन ना हो। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो लेमन नहीं इस्तेमाल करें। ठीक है, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आया। वीडियो अच्छा लग गया तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छा लग गया और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।